गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी बच्चे जो है वो वीडियो में देख देख के अच्छे से लर्न भी कर रहे हैं सब कुछ, और अच्छे से लिख भी रहे हैं अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, है ना। सो टुडे वी हैव टू लर्न EVS। EVS में लास्ट टाइम में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें हमने पेज नंबर 124 में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, पीपल लिविंग ऑन अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लोग जो ऊंचाई पे रहते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, है ना। तो आज हम उसके न्यू पैराग्राफ से पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि ये जो हाइट 5000 मीटर, गौरव जो है वो 5000 मीटर अप जाता है और वहाँ पे जो है वो एयर एकदम पतली होती है जिसकी वजह से उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाद में धीरे धीरे वो वहाँ पे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो उसकी ठीक होती जाती है, उस एटमॉस्फेयर में वो ढलने लगता है धीरे धीरे। और वहाँ पे वो देखता है कि वो वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं आता है, ना ही पेट्रोल पंप है, और वहाँ की जो एयर है एकदम क्लीन है, स्काई भी एकदम ब्लू है, वहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं और वो भी कैसे हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो आज हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं। मेनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, कि बहुत सारे दिन और रात चले गए। लूनार एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, में और लूनार आगे बढ़ते ही गए। मूविंग मतलब चलना और अहेड मतलब आगे, तो आगे चलते ही गए। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक मॉर्निंग, आई सो बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, कि मैंने अपने आगे देखा ग्रासी लैंड, लैंड मतलब ज़मीन और ग्रासी मतलब घास वाली, ओके। तो मैंने घास वाली ज़मीन जो है वो देखा, कैसी थी, एकदम फ्लैट, फ्लैट मतलब एकदम सपाट। मैनी शीप्स एंड गोट्स वेर ग्रेजिंग देयर, कि बहुत सारे शीप्स और गोट वहाँ पे ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग करना मतलब वो ग्रास खा रहे थे, ग्रेस, ओके। तो हम गुजराती में हम बोलते हैं ना कि गाय जो छे चरवा जाए, तो चरवू इट्स कॉल्ड ग्रेजिंग, ओके। तो शीप और गोट्स जो है वहाँ पे खा रहे थे। फार इन द डिस्टेंस, कि फार मतलब दूर, बहुत दूर डिस्टेंस पे, आई सो सम टेंट्स, टेंट्स को तो पता ही होगा कि मैंने थोड़े टेंट देखे, सो मतलब देखना, आई सो मतलब मैंने देखे थोड़े से टेंट। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, वो लिव देयर एंड व्हाट दे वेर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, मैंने ये सोचा कि वहाँ पे कौन रह रहा है, एंड व्हाट दे वेर डूइंग, और वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं इन दिस फार आउट प्लेस, इतनी दूर जगह पे। तो गौरव और लूनार की ये जो सफ़र था यहाँ पे, ये पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है फाइंड आउट, तो चलो देखते हैं। एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हो वो प्लेस कितनी हाइट पे है। तो आप अगर फ्लैट में रह रहे हो तो थोड़ी सी हाइट होगी, या फिर आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो तो आपका घर ज़मीन से थोड़े ही हाइट पे होगा, तो वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद है व्हाई डिड गौरव जानी से, दिस प्लेस इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, यानी कि गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये प्लेस बहुत ही हाई है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रीथ करना डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न बता ही दिया है क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे, लैंड से ऊपर जाएंगे, इतना हाई जाएंगे, तो वहाँ पे हवा जो है वो पतली हो जाती है जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, कि आप कभी भी हिली प्लेस पे गए हो तो कहाँ पे गए हो, तो वो आपको लिखना है। या फिर आप सापुतारा गए हो, या फिर मनाली गए हो, या फिर आबू अम्बाजी गए हो, तो वो वहाँ पे बहुत सारे हिली एरिया है, तो आप कहाँ पे गए हो वो लिखना है। एट व्हाट हाइट वॉज इट, और जहाँ पे आप गए हो वो कितनी ऊंचाई पे है, और गिरनार भी है ना। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, तो आप वहाँ पे पहुँच गए तो वहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्टी लगी आपको ब्रीथिंग में। उसके बाद है विच इज़ द हाइएस्ट प्लेस हैव यू बीन टू, कि आप उस सारी जगह पे गए हो तो उसमें से कौन सी प्लेस सबसे हाइएस्ट थी, कौन सी प्लेस सबसे ऊपर थी, तो वो आपको फाइंड करना है। तो ये सारा आपको फाइंड करने मतलब सोचने के लिए है, ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने के लिए है नहीं, ओके। तो ये लिखने नहीं है। उसके बाद है द चंगपा, क्या है चंगपा, तो देखते हैं ये चंगपा क्या है। देर आई मीट अ
नामग्याल एंड द कम टू नो अबाउट द चंगपा अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स। ट्राइब मतलब एक जाति, एक प्रकार की जाति, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ होती हैं, मतलब जाति का मतलब क्या है कि वन टाइप ऑफ ज्ञाति, लाइक पटेल, ओके, लाइक कोड़ी, लाइक मोमेडियन, तो इट इज़ कॉल्ड ट्राइब, एक प्रकार की जाति, ओके। तो देयर आई मीट, मैं वहाँ पे मिला नंगम्याल एंड केम टू नो अबाउट द चंगप्पा, और मैं वहाँ पे नंगम्याल को मिला और मैं वहाँ पे जानने के लिए गया चंगप्पा के बारे में। अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, कि वो एक प्रकार की जाति थी, लिविंग यानी कि वहाँ पे रह रही थी, कहाँ पे, ऑन द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स पे रह रही थी। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल, ये जो चंगपा जाति थी वहाँ उसमें कितने लोग थे, ओनली 5,000 पीपल, मतलब 5,000 लोग ही थे। द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोड्स एंड शेप्स, तो ये चंगपा जाति के जो लोग हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, किसके साथ, विद देयर गोड्स एंड शेप, वो अपने गोट और शेप के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड्स, और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो जरूरियात की चीज़ें हैं, नीड्स हैं, तो वो पूरी करने के लिए, ओके, क्या क्या नीड्स हैं उनकी, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर, कि उनको मिल्क चाहिए, मीट मतलब मांस, स्किन किसके लिए चाहिए, टेंट बनाने के लिए, एंड वूल किसके चाहिए, कोट और स्वेटर बनाने के लिए, क्योंकि वो इतनी हाइट पर रह रहे हैं तो वहाँ पर ठंड तो बहुत ज़्यादा होगी, उनको स्वेटर और कोट बनाने के लिए वूल चाहिए। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर यानी कि खजाना, तो उनकी जो गोट्स हैं, उनकी जो बकरियां हैं, वो उनके पास यही है, उनका खजाना है वो। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच, कि वहाँ पे क्या है कि जिस फैमिली के पास ज़्यादा एनिमल्स यानी कि ज़्यादा शेप और गोट होते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे वाला बोला जाता है, मोर रिच यानी कि ज़्यादा पैसे वाला, तो जिस फैमिली के पास ज़्यादा एनिमल है उनको ज़्यादा पैसे वाला माना जाता है वहाँ पे, एंड इम्पोर्टेंट, और उन लोगों को इम्पोर्टेंट माना जाता है। फ्रॉम दिस स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, यानी कि ये जो उनके पास गॉड्स है जो और शीप्स है, तो उनसे जो वूल मिलता है उनको, तो वो वूल से वो क्या बनाते हैं, वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल बनाते हैं। कैसा वूल, पश्मीना वूल जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये लोग ये वाला वूल बनाते हैं, ओके। कौन सी ट्राइब बनाती है, चंगप्पा। द चंगप्पा ग्रेस देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, तो चंगपा ट्राइब्स है वो क्या करते हैं, उनकी गोट्स और शीप्स को हायर प्लेस पे ले जाती हैं, यानी कि ऊंचाई पे ले जाती हैं, जिसकी वजह से गोट्स के जो हेयर है, फर यानी कि उनके बॉडी पे जो हेयर है, उनके फर है, वो कैसे बोलते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन्स, कि वो शीप और गोट भी जो है वहाँ पे स्टे माउंटेन पे स्टे करते हैं, रहते हैं, इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में, बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गॉड्स कैन लिव, क्योंकि ये जो गोट है वो वहाँ पे ही रहते हैं, वहाँ पे ही रह सकते हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड, और यही उन लोगों की ज़िंदगी है और रहने का तरीका है, क्योंकि जो भी एनिमल जो भी एटमॉस्फेयर में रहता है वही एटमॉस्फेयर में वो रह सकता है, अगर हम उसका एटमॉस्फेयर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एनिमल वहाँ पे नहीं रह सकता। अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, ग्रीनरी है, ओके, तो हम अगर डेजर्ट में जाएंगे तो बिना पानी के हम रह पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं रह पाएंगे। वैसे ही एनिमल का होता है कि एनिमल जो भी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो वैसे ही एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, अगर हम उसका एटमॉस्फेयर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। तो ये गॉड्स और शिप जो है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, सो वो वहीं पर रहते हैं।
भले ही बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन हो तो भी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप, मैंने जिस जिस वर्ड पे अंडरलाइन की है वो सारे वर्ड आपको 3-3 टाइम, बहुत ही कम वर्ड है यहाँ पे, तो ओनली एक ही वर्ड है, यहाँ पे 3 और 4 वर्ड है बस। तो ये वर्ड जो है 3-3 टाइम आपको नोटबुक में लिखने हैं, और पूरा चैप्टर जो है वो रीड भी करते जाना है मेरे साथ में जब वीडियो में बोल रही हूँ तब, ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाए।